जब हम प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए सब्जेक्ट लिस्ट की बात करते हैं तो उसमें आईआर हो गया साइंस टेक हो गया इंटरनल सिक्योरिटी हो गया सोशल इश्यूज हो गया ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो हम इन जनरली एज अ फुल फ्लस सब्जेक्ट कंसिडर ही नहीं करते हैं। इनके लिए कोई बुक्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम खरीदते नहीं साइंस टेक की तो इनफेक्ट हम बुक खरीद ही लेते हैं बट आई की सोशल इशूज़ की इनकी तो बुक हो भी सकती है या इंटरनल सिक्योरिटी की बुक हो सकती है ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं इनको तैयार करने के लिए शायद ही कभी किसी ने आपको प्रॉपर स्टेड या गाइडेंस दिया हो रट पी टी टाइप मटेरियल है जो करेंट अफेयर्स होते हैं ईयरली कम्पाशन मंथली कम्पाइलेशन उन पर हम डिपेंडेंट रहते हैं इन सब्जेक्ट्स के लिए जो मेन टॉपिक्स हैं पोलिटी इकनॉमी इन्वायरमेंट चार तरह की हिस्ट्री एंड जोग्राफी ये पाँच में सब्जेक्ट में हमारे ये चार सब्जेक्ट्स नहीं आते जिनसे अच्छा खासा वेटेज कवर होता है प्रिलिम्स एग्जाम में तो इंटरनेशनल रिलेशंस की तैयारी कैसे करनी है प्रिलिम्स के लिए एंड ये कंटेंट आप कैसे ले सकते हो चाहे आप सेल्फ स्टडी करो या फिर आप न्यूज़पेपर बेस्ड स्टडी करो या फिर आप किसी मैगजीन से कर रहे हो अदरवाइज आपने पी टाइप मटेरियल को ही परचेज़ किया हुआ है तो कैसे आई को आपको तैयार करना है हम समझते हैं आई आर अगर आप देखोगे तो बेसिकली नाइन मेजर टॉपिक्स या नाइन मेजर थीम्स में डिवाइड करके हमें पढ़ना चाहिए ठीक है आई आर के जो टॉपिक्स हैं सबसे पहले इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनस आएंगे उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडीज़ उसमें भी आप देखोगे यू एन बॉडीज़ अलग हैं ग्लोबल बॉडीज़ अलग हैं रीजनल बॉडीज़ अभी हम इनका डिफरेंस समझेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनस ये इकोनॉमी है इकॉनमी ये मोस्टली आप कहोगे इनको बैंक्स हैं ये बैंक्स मल्टी डेवलपमेंट बैंक एम डी बी बैंक क्या करता है पैसा एक से लेता है और दूसरे को दे देता है ठीक है लैंडिंग और क्रेडिट ये बिज़नेस चलता है बैंक का तो ये बिज़नेस अब ग्लोबल लेवल पर चलता है तो उसमें हमेशा सिर्फ प्रॉफ़िट एक मोटिव नहीं होता ग्लोबल डेवलपमेंट भी एक मोटिव होता है तो उसको करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो बहुत लो रेट पर लोन्स प्रोवाइड करते हैं उसमें मल्टी लेट्रल डेवलपमेंट बैंक हो गए ब्रिटेन वर्ड हो गए और रीजनल उसके बाद कुछ ट्रीटी एंड एग्रीमेंट हम पढ़ते हैं इंडिया नेबरहुड में आप जानते हो बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ आपको पढ़ना है प्लस जो ये आप जानते हो इंडो पैसिफिक एंड इंडो ओशन इसको आप कैसे छोड़ सकते हो फिर बायोलेट्रल रिलेशन कुछ कंट्रीज से पढ़ने होते हैं फिर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एंड कनेक्टिविटी रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं फिर वेस्ट एशिया वेस्ट एशिया से रिलेटेड एक या दो टर्म्स प्रलम्स में इन जनरल पूछता रहता है जोग्राफी से आप इसे को रिलेट कर सकते हो और करंट अफेयर्स न्यूज़ में तो होते ही हैं फिर इसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं जो न्यूज़ में हैं जो हर साल चेंज हो जाते हैं फिर कुछ मिसलिन ठीक है एक बार इनको हम समझने का ट्राई करते हैं कि कैसे आप तैयारी करोगे जब हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं मल्टी डेवलपमेंट बैंक्स की मल्टी डेवलपमेंट बैंक जब आप देखोगे तो इसको अगर आप डिफ़ाइन करने का ट्राई करो तो एम क्या होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पहले तो ये टॉपिक क्या है आई एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एक से ज़्यादा कंट्री स्टैब्लिश करती है और इस वजह से इंटरनेशनल लॉ के अधीन आता है ठीक है इसके जो ओनर्स या शेयर होल्डर्स हैं मोस्टली नेशनल गवर्नमेंट होती हैं कोई बैंकर या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन फिनटेक ऐसे नहीं होता है एम की अगर आप डेफिनेशन पढ़ो तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एक या मतलब दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ बनाएंगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पुअर नेशन उनके लिए बेसिकली एम बनाए जाते हैं इनमें जो मेंबर नेशन है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री से होते हैं तो मेजर एम जो आपको पढ़ने हैं ये लिस्ट दी हुई है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं ठीक है अब ये तो ठीक है अब इनके बारे में अलग अलग पढ़ना होता है तो ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन क्या हैं सबसे पहले आई फिर वर्ल्ड बैंक फिर वर्ल्ड बैंक के बाद वर्ल्ड बैंक ग्रुप अब इन सब में जब आप तैयारी करोगे तो एक दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ये चीज़ मैंने आपको ट्वेंटी ट्वेंटी फिफ्टी फिफ्टी सीरीज़ में बताई थी देखो यहाँ पर जब आप टॉपिक लिस्ट में जाओगे आईएफआई एफ ये टॉपिक लिस्ट है बेसिकली जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो जब भी यहाँ पर लिखा हो ऐसे इन्वायरमेंट में जब भी हम कोई फंड पढ़ते हैं या कोई इंटरनेशनल बॉडी पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं हेडकोार्टर एम इंडिया ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे मेम्बर है इंडिया के नहीं है ट्री टी प्रोटोकॉल तो और क्या है इंडिया मेंबर है ऑब्जेक्टिव है कि नहीं फंड है तो किसने दिया इंडिया मेंबर है कि नहीं किसके लिए ऑब्जेक्टिव क्या है राइट सेम अप्रोच आपको आई के लिए भी लगानी है तो जब आप आई के लिए सेम अप्रोच लगाओगे तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा आई के बारे में सबसे पहले जान लो कि आई का ऑब्जेक्टिव क्या है क्यों बना फिर आई एम के क्या क्या फंड्स हैं वोटिंग पावर क्या है और अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आप पढ़ लो ब्रेट एंड वुड इंस्टीट्यूशन क्यों है या आपको नाम पता होना चाहिए आई के बारे में आपको पता होना चाहिए दो तीन लाइन में प्री के लिए इतना सफिशियंट है राइट हेडक्वार्टर कहाँ है मेंबर क्या ऑब्जेक्टिव्स पता है आई के फंड्स आपको पता है दैट्स इट वोटिंग पावर आपको पता होनी चाहिए वोटिंग पावर क्या चल रही है सेम वे में जब हम वर्ल्ड बैंक तैयार करेंगे वर्ल्ड बैंक के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं uh, इसके अलावा इसका मेंबरशिप क्या है वोटिंग पावर के बारे में आप पढ़ोगे वर्ल्ड बैंक ग्रुप में हम पढ़ते हैं ये पांच ग्रुप आईबीआरडी हम पढ़ते हैं आई बी आर टी की बात इसमें भी आप कोई पढ़ोगे गवर्नेंस क्या है उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह क्या है पैसा कहाँ से आता है कैसे जाता है देन आई डी ए आप पढ़ते हो आई एफ सी ठीक है पाँच ग्रुप्स हमने पढ़ लिया इस तरह से आप ये ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन कवर करते हो इसके बाद जो रीजनल डेवलपमेंट बैंक हैं उसमें जो तीन हैं जिन पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं एक ए डी बी एक ए आई आई बी एक एन डी बी अब इस डिटेल में अगर आप पढ़ने जाओगे ना तो पाँच छः साल के करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ते हैं वो भी आपको क्लियर कट एक जगह कंटेंट नहीं मिलेगा ए में भी आप वही पढ़ोगे मेंबर्स वोटिंग एंड शेयर होल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ये सारी चीज़ें देन इसके बाद आप ए में क्या पढ़ोगे सिमिलर सिमिलर चीज़ें आप पढ़ते हो देन एन में भी आप सिमिलर चीज़ें पढ़ते हो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है ई देन अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक देन इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक तो इतने सारे अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज अ टॉपिक तैयार हो जाता है इसके बाद हम आते हैं दूसरे टॉपिक पर जिसमें हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज जिसमें बेसिकली यू बॉडीज़ ग्लोबल बॉडीज़ एंड रीजनल बॉडीज़ यू बॉडीज़ में आपको क्या पढ़ना है सबसे पहले तो यू के बारे में पढ़ोगे यू क्या है एक इन जनरल आइडिया फिर यूएन के जो ऑर्गन्स हैं छह ऑर्गन्स हैं आपको पता होना चाहिए इनसे क्वेश्चंस आते हैं तीन चार साल में एक बार क्वेश्चन पूछ ही ले रहा है इनसे रिलेटेड राइट right? तो ये आपको पता होना चाहिए देन आई सी या ये ऑल सिक्स ऑल सिक्स आर इम्पॉर्टेंट इसके बाद बाकी जो यू के जनरल बॉडीज़ या प्रोग्राम है यू क्या है यूनेस्को यूनिसेफ ये ये भी यू के ही पार्ट है यू इनमें से ऐसा कुछ नहीं है जो यू का नहीं है लेकिन ये सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन्स नहीं है जब आप यूएन के ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर की बात करते हो तो उसमें बस यही छः ग्रुप्स आते हैं ये यू बॉडीज़ हो गई इसके बाद आप ग्लोबल बॉडीज़ पढ़ोगे इस तरह की चीज़ें आपने देखी होगी डब्लू टी ओ डब्लू एच ओ जी ट्वेंटी जी सेवन बहुत सारे होते हैं देन ये लिस्ट पॉज करके देख लेना कुछ इसमें सिक्योरिटी में पढ़ोगे कुछ आप इकनॉमी में पढ़ लोगे कुछ आप हेल्थ सोशल इशूज़ में पढ़ लोगे बट है सब ग्लोबल बॉडीज़ इसके बाद कुछ रीजनल बॉडीज़ आती हैं जो किसी ग्लोब पूरा मतलब मैप में आप कुछ एक पार्ट ग्लोबल लेवल पर ले लो एक रीज़न बना लो उसमें फ़ॉर एग्ज़ाम्पल बिम हो गया साग हो गया आशियान हो गया ये सारे तो इस तरह से इनकी ये लिस्टिंग है ये आप पढ़ लो हर साल एक दो ही शायद न्यूज़ में एक्सटायर होते होंगे अदरवाइज़ ये सब ऑलरेडी जो बन गए वही बने हुए चल रहे हैं तो इनको पढ़ना आपको इसी डेप्थ में अगर मैं रीजनल बॉडीज की बात करूँ एंड मुझे बिमस्टेक तैयार करना है सबसे पहले मैं इसके बारे में दो तीन पॉइंटर्स क्या है किसने फाउंड किया कौन मेंबर है क्या हेड क्वार्टर है एंड चेयरमैन को लेकर कोई ना कोई बात इसमें लगी रहती है एम क्या है आप पढ़ लोगे मैप आप पढ़ोगे देन बस दैट्स इट प्रिलिम्स के लिए इतना ही इससे ज़्यादा नहीं, नहीं। मेन्स में पूछ सकता है कि अब बिमस्टेक क्यों इंपॉर्टेंट है साग से कैसे अलग है साग प्लस साग माइनस ये सब ठीक है मेन्स के लिए बट नॉट फॉर प्रिलिम्स फिर आती हैं कुछ ट्रीटी एंड एग्रीमेंट आप देखते हो हर साल कुछ ट्रीटीज़ न्यूज़ में रहती हैं आर हो गया सी पी ट्रांस पैसिफिक के लिए जो ट्रीटी चल रही थी देन बेका चल रहा है आप्टा चल रहा है कैसपियन सी ट्रीटी के बारे में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है अनक्लोज देन इसी में जब आप पढ़ोगे तो इसके ब्लैक सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ भी पढ़ लोगे स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप काउंसिल ये इस तरह से आप देखोगे ये सारी चीज़ें इस तरह के ट्रीटी एग्रीमेंट न्यूज़ में तो जब आप ट्रीटी और एग्रीमेंट पढ़ोगे तो जो जिस तरह से आपको ये इन्वायरमेंट तैयार करना है ट्रीटी प्रोटोकॉल और इंडिया मेंबर है कि नहीं ऑब्जेक्टिव ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के पढ़नी है इस तरह से आप तैयारी करोगे अगला जो टॉपिक है इसमें इंडिया एंड नेबरहुड इंडिया पाकिस्तान इससे रिलेटेड हमेशा कई सारे इश्यूज़ न्यूज़ में रहते हैं आप उन इश्यूज को कंबाइन करो क्लब करो एंड उससे रिलेटेड कंटेंट तैयार करो इंडिया बांग्लादेश को लेकर इतने सारे इशूज़ हैं नेपाल को लेकर इन जनरल चार पाँच इशूज़ ही रहते हैं तो ये सारे हैं नेबरहुड में आप ये ध्यान रखना इंडियन ओशन रीजन को बिल्कुल मत भूल जाना इंडियन नेबरहुड में जो हम पढ़ते हैं वो इंडिया के पास वाले हैं उसमें हम बायोलेटरल रिलेशन ही पढ़ रहे हैं। लेकिन बायोलेट्रल रिलेशन विद नॉन नेबरहुड जैसे यूएसए हो गया यूरोपियन कंट्रीज हो गई तो हम वो बाइलेटरल रिलेशन में पढ़ते हैं उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एंड कनेक्टिविटी आप देख रहे हो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं बी को लेकर प्री में क्वेश्चन पूछा मेन्स में क्वेश्चन पूछा पढ़ना क्या है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है सबसे पहले कहाँ अनाउंस हुआ था ठीक है हिस्ट्री आपने थोड़ी बहुत पढ़ ली क्या क्या एग्जाम्पल है क्या क्या इंक्लूड करता है ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना में मतलब आप सोच रहे हो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रोड के बारे में आ जाए कितनी बड़ी चीज़ हो जाएगी चाइनीज गवर्नमेंट ने इसे क्या कहा था बिड टू इनहंस रीजनल कनेक्टिविटी एंड अ ब्राइटर फ्यूचर एक ब्राइट फ्यूचर को इम्प्रेस करता है ठीक है तो बेल्ट में इसको बेल्ट का क्या मतलब है देन एम एस आर रोड का क्या मतलब है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना तो रोड का क्या मतलब है इन टर्म्स को आपको पता होना चाहिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या कहलाती है सी पी सी क्या कहलाती है फिर बी आर आई के अल्टरनेटिव क्या है क्यों है ग्लोबल गेट वे प्लान सडनली के ऊपर क्या आया देन इंडिया ने चाबार पोर्ट पर क्यों इन्वेस्ट किया देन ये सारे टर्म्स ग्वादर पोर्ट आ, पे क्या चल रहा है या आपको पता होना चाहिए डुकम पोर्ट सडनली क्यों न्यूज़ में आ गया सुज कैनाल क्यों न्यूज़ में रहती है क्यों इंपॉर्टेंट है चोक पॉइंट्स वगैरह क्या होते हैं ये सब आपको पता होना चाहिए इस तरह से इसमें पाइपलाइंस भी आती है तापी पाइपलाइन हो गई आई, आई पाइपलाइन हो गई आई जो कॉरिडोर्स जो जो हैं अजगाबाद एग्रीमेंट रिसेंटली क्वेश्चन पूछा ठीक है तो इन सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछ सकता है ये ट्रांसपोर्ट एंड कॉरिडोर हो गया इसके बाद वेस्ट एशिया इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट प्लेसेज इन न्यूज़ यहाँ पर या वेस्ट एशिया हर साल ये चीज़ अपडेट होने वाली है तो वेस्ट एशिया का तो एक इनफैक्ट आप मैप याद करो पहले सबसे पहले आपको एक मैप पता होना चाहिए इन जनरल उसके बाद कुर्द पे क्वेश्चन पूछा जैसे आप देखो प्री में ही पूछ लिया था दो तीन साल पहले ट्राइब्स पे क्वेश्चन पूछा लिया इदली आई थिंक अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा है ठीक है तो ये क्वेश्चन आपको वन लाइनर टाइप प्री में एग्जाम में हेल्प करेंगे देन इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेज इन न्यूज़ देन उसके बाद ये सब मिसलेनियस uh, चीज़ें एक एक दो दो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती हैं तो इस तरह से हमने क्या देखा कि आई को इन नौ टॉपिक्स में इन नौ थीम्स में तैयार करना ज़रूरी है तो ये सब कंटेंट आप देखोगे सिनोप्सिस के अलावा आपको शायद ही किसी कोचिंग में इतनी डेप्थ में मिले इतना स्ट्रक्चर्ड इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में मिले अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ठीक है अगर आपको इसके बारे में वीडियो लेक्चर्स देखने हैं तो सिनापसिस आइएस की जो ये एक तो गाइडेंस सीरीज़ है यहाँ तो गाइडेंस सिनोपसिस वेबसाइट पर जाके आ, ये वैसे देखो इसमें पार्टी ट्वेंटी 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 सीरीज़ में हमने कवर किया और पी टी थ्री सिक्सटी में कवर किया है राइट आ, इसके अलावा एक ई e बुक अभी लॉन्च की है सिनॉपसिस ने रिसेंटली आई आर के लिए तो फोर्टी रुपी की ई e बुक है अगर आप लेना चाहो तो आप लेना कंसिडर कर सकते हो वर्थ होगी सेवनटी एट्टी पेजेस आने वाले हैं ये टॉपिक्स मेन है एंड इसमें एक साल के करंट अफेयर्स हम ऐड करके ज़रूर देने वाले हैं नहीं भी लेनी फोर्टी रुपये अगर आपको ज़्यादा लगते हैं कि इस बुक के लिए ज़्यादा है मत दो बट सेल्फ स्टडी में ये चीज़ें जरूर इनकॉर्पोरेट करो अदरवाइज आई को तैयार करना टफ है हाँ ये बात ठीक है कि एक से दो क्वेश्चन आते हैं प्री में लेकिन मेंस की बात करोगे जब तक आप ये चीज़ें प्री के लिए बिल्ड नहीं करोगे तब तक मेंस में जो तीन से चार क्वेश्चन आते हैं आई के लगभग पचास नंबर के क्वेश्चन वो करने मुश्किल है अगर आपका बेस क्लियर है तो मेन्स में पचास नंबर मतलब ये ई बुक आपको मेन्स के लिए इमेंस हेल्पफुल होने वाली है इसके जो फ्री लेक्चर्स हैं वो आप सिनोपसिस के यूट्यूब चैनल पर आई थिंक ये पी टी थ्री सिक्सटी कोर्स में मैम ने अभी पढ़ा दिए हैं काफ़ी सारे यहाँ कवर हो जाएंगे एंड इससे रिलेटेड जो पूरा कंप्लीट बुक के लेक्चर्स हैं वो आपको इस बुक के साथ ही आप परचेज़ करते हो तो बुक के साथ फ्री लेक्चर्स अवेलेबल वहाँ पर होंगे सो थैंक यू फॉर वॉचिंग ये चीज़ ध्यान रखना आई के अलावा साइंस टेक भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सोशल इश्यूज़ भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है एंड इंटरनल सिक्योरिटी तो उन पर भी हम गाइडेंस वीडियोज़ आने वाले टाइम में देखेंगे